इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते हैं। अगर इनकी बहन का बेटा है, इनके भाई का बेटा है, कोई बेटा है, इनको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे जिहाद में भेजो। अब इस उम्र में इस वजन के साथ कौन इनको जिहाद भेजेगा, बताइए। ये तो झूठ वाली बात है ना। ये तो झूठ बोलना है कि मैं जिहाद चली जाऊंगी, ये पता होते हुए कि आप इस ना फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है, ना आपकी उम्र है, ना कुछ है जिहाद पे जाने की, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं जिहाद पे जाऊंगी। आपको ये बोलना चाहिए कि ये मेरा बेटा है 21 साल का, ये कल जिहाद पे जा रहा है और मैं पूरी पाकिस्तान के सामने बोल रही हूं कि मैंने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को मैंने फिलिस्तीन भेजा जिहाद के लिए। तब मुझे समझ में आएगा ये लोग कितने सीरियस हैं। साथ में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नल हैं, जिनके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप में दीगर जगह इनके घर हैं, ये बोले कि ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को जिहाद के लिए भेज रहा हूं। ये सर ये सब झूठी बातें करते हैं, ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो लेडी है, खातून है, इन्होंने पाकिस्तान की कौम को बेसिकली फिर से एक बार चूरन खिला दिया। कैसे खिलाया? सब लोग जैसे वो गुस्ताख रसूल वाला मामला चला था जिसके ऊपर लबैक वाले सड़क पे आए थे, सब वो क्या करा, वो मामला रफा दफा हो गया। सर क्या हुआ? फ्रांस ने माफी मांग ली, फ्रांस ने अपना सफीर वापस बुलवा लिया, क्या हुआ? ये सब नाटक था ना, अब नाटक खत्म हो गया। तो अब तो पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग नहीं जल रही, अब तो कोई गुस्ताख रसूल वाली बात नहीं कर रहा। क्यों? जो रसूल के ऊपर जो गुस्ताखी थी, क्या वो खत्म हो गई? वो तो आज भी है। लेकिन तो ये सब लोग रिलीजन को, यानी मजहब को, धर्म को एक एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाई, लाहौर को आधा जला के रख दिया इन लोगों ने रसूल के नाम पे, अब सबकी छुट्टी कर दी, अब सब लोग घर पे आराम से बैठे हुए हैं। क्या साध रिजवी, क्या बाकी लोग। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूं ताहिर साहब, आप छोटी सी बात सोचिए ना, ये सब लोग पाकिस्तान के लोगों को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। ठीक है, जब रसूल अल्लाह की बात आए तो हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान, बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे। एक पाकिस्तानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने क्या बोला कि कितना कर्ज है फ्रांस का हमारे ऊपर, $12 बिलियन, हम सब अपनी आपने भी देखा होगा, हम सब अपनी जायदादें बेच देंगे, हम अपनी जायदाद, क्या हुआ उसको, बोल बेच अपनी जायदाद। सर ये सब झूठ बोलते हैं, रसूल के नाम पे, कुरान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे झूठ बोलते हैं। और ये जो है, ये जो लेडी है जिन्होंने खातून है, उन्होंने भी अभी सबके सामने झूठ बोला। मैं तो चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का या कोई पाकिस्तानी जर्नल या ब्यूरोक्रेट सामने आके बोले कि ये मेरा लड़का है, जवान लड़का है, और मैं उसको शहीदों ने भेज रहा हूं पैलेस्टीन। ये नहीं भेजेंगे। ये अजमल कसाब जो कि मरा था इंडिया के, जिसको हमने फांसी पे लटकाया था, और उसके साथ जो 9-10 आए थे और आतंकवादी टेररिस्ट, वो सब गरीब के थे लड़के, ये अजमल कसाब को बोलेंगे बेटा तू लड़, मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफर्ड, ठीक है, और अजमल कसाब जाएगा इंडिया जिहाद लड़ने, मेरा बेटा जाएगा येल यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टोरंटो यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कश्मीर में जो आदिल अहमद डर है, जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर है, वो जाके वो जिहाद लड़ेगा, उसको 72 हूरें मिलेंगी, मेरे बेटे को तो 72 हूरें दुनिया में ही मिल जाएंगी, मेरे बेटे को मरने की जरूरत थोड़ा है, वो तो गरीब है, वो मरेगा 72 हूरों के लिए, मेरा बेटा तो चला जाएगा अमेरिका में, उसको 72 क्या, उसको 72 से डबल हूरें मिल जाएंगे अमेरिका में। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है सर, मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता, और मुझे लगता है अब हाई टाइम है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। जब तक इसकी मईशत की कमर नहीं टूटेगी और सड़क पर नहीं आएंगे, ये लोग बात नहीं मानने वाले किसी की। देखिए, आपने कहा कि ये जो लोग हैं, जैसे यमन ने फरमा रही हैं, ये तो अपने बेटे की बात भी नहीं कर रही और हम चाहते भी नहीं, लेकिन अगर इनको शौक है वाकई जहाद का तो फिर अपने बच्चों को भेजें। यहाँ पर टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का आपने जिक्र किया, मैं गौरव भाई यहाँ पर स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखा रहा हूँ जिसमें लियाकत बलोच ने कहा कि उनका बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में PhD कर रहा है या कर चुका है, व्हाटएवर, ठीक है ना। और फिर उस पर पाकिस्तानी लोगों ने जो सवाल किया कि आप दूसरों के बच्चों को तो जहाज पे भेज रहे हैं, वो बेचारों ने फिर पाकिस्तानी लोगों ने ही उन पर ट्विटर पे अटैक किया कि फॉर गॉड सेक, आपके बच्चे तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में PhD कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के बच्चों को
जहाज पे भेज रहे हैं, इन्हीं का भी यही मामला कि मैं चली जाऊंगी, मैं तो काबिल नहीं हूं। ये सब वाकई आप दुरुस्त कहते हैं, सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये सब जोक है, मगर जोक एक हद तक है। आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की स्टेटमेंट जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के फ्लोर पर एक MNA, वो भी हुकूमती पार्टी की MNA कहती हैं, तो क्या आप गेस करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसको सीरियस लेगी? सर देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर चाबी घुमानी होगी तो सीरियसली ले लेगी। अब छोटी सी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमास की जो लीडरशिप है वो कहां पे और उनके बच्चे कहां पे हैं? क्या वो इस वक्त गाजा में इजरायली आर्मी के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं? नहीं, हमास की जितनी भी लीडरशिप है कतर में बैठी हुई है। सर हिजबुल्ला है जो फलस्तीन से नॉर्थ ऑफ इजराइल, अगर हम मोटा मोटी ले लें ऊपर की तरफ लबनान में, वहां पे लेबनन, सॉरी माय मिस्टेक, मैं फिलिस्तीन कह गया, लेबनन की बात है, माफ कीजिएगा, जो लेबनन है नॉर्थ साइड में ऊपर, तो जो लेबनन की जितनी भी लीडरशिप है जो हिजबुल्ला की, वो कहां? वो तेहरान में बैठे हुए सर। तो ये बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड इनके घर के आगे लगे हुए हैं, सरकारें इनको पैसा देती हैं, ऐश कर रहे हैं। इनका टोटल काम यह है कि गरीबों को मरने के लिए भेजना, और अमीर जो है ये कतर में रहेंगे। अब आप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं तैर साहब, और बताना भी चाहता हूं राधर, आपको तो पता ही, अपने आपके जो दर्शक है उनको बताना चाहता हूं, सो कॉल्ड हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे और हमारा हम जिहाद लड़ेंगे, उसके पांचों के पांच बेटे सैयद सलाउद्दीन के जम्मू और कश्मीर की सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चार बच्चे, एक का सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट टाइप का जॉब है, बाकी तो दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उनकी सैलरी देती है, उनका बाप है सैयद सलाउद्दीन जो मुजफ्फराबाद में बैठा है, कभी इस्लामाबाद में बैठा है। आप एक बात बताइए कि साहब ये जो हाफिज सईद है, हाफिज सईद के कितने बेटे जिहाद कर रहे हैं? इन सबके बच्चों की लाइन है, क्योंकि इनकी बीवियां भी बड़ी हैं, तो इनके बच्चों की लाइन है। इन्होंने एक बच्चा अपना मरने के लिए नहीं भेजा कि बेटा तू मर मत, तू एक काम कर, तू इंडिया चले जा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, तू इंडिया चले जा और एक बार कुछ मत करना, इंडियन आर्मी के ऊपर तू पत्थर फेंक दे, हम तेरे को मुजाहिद मान लेंगे, गाजी मान लेंगे। नहीं करते। इनके बच्चे लाहौर में, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। आसिया अंद्राबी है दुख्तराने मिल्लत, आसिया अंद्राबी का बेटा सर हल्क होगन, जो बहुत बड़ा एक रेसलर था और हॉलीवुड स्टार है, हल्क होगन के साथ, ठीक है सर, हल्क होगन के साथ बैठ के वो पार्टियां कर रहा है बैंकॉक में सर। आसिया अंद्राबी के खुद की सिस्टर है, वो पेट्रोनास टावर में उसकी प्रॉपर्टी है, स्काई स्क्रेपर में उनका 4 बेडरूम 5 बेडरूम का पेंट हाउस है। तो ये सब सर जिहाद फैक्ट्री है। तो ये सब पाकिस्तान में भी ये चल रहा है, और पूरी जितनी भी ये सो कॉल्ड इस्लामिक टेररिस्ट तंजीमें हैं ये इसी मॉडल पे चलती हैं। हिजबुल्ला का कौन सा लीडर ने अपने बच्चे को बोला कि तू जा RDH लगा और फट जा? नहीं बोलेगा सर, वो गरीब के बच्चे को बोलेगा तू फट जा। तो सबके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी वही काम हो रहा है जो हमास के साथ हो रहा है, हिजबुल्ला के साथ हो रहा है, तो दे आर एक्सपोज टोटली। देखिए, ये जो पाकिस्तान की MNA हैं, ये उनको भी घसीट के लाती हैं जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस, जिनका भारत के साथ भी तल्लक बनता है, उनकी माँ भारत से थी, उनके बाप अफ्रीका से थे, और ख़ुद उनके जो शौहर हैं वो एक यहूदी शख्स हैं, और कमाला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की हैं, सो वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब उनको इस तरह उसमें घसीट के लाना कि जी ये इंडिया की जो है पॉलिसी को टो कर रही हैं, तो ये आप नैरेटिव कैसे देखते हैं? सर इसको ना मैं बताता हूं, मुझे लगता है ये पढ़े लिखे कम हैं थोड़ा पाकिस्तान में, ना पढ़ने लिखने के रिवाज वैसे है नहीं वहां पे। इंडिया की क्या पॉलिसी है पैलेस्टीन को लेके, इनको यही नहीं पता है, यही तो चक्कर है। ये यहूदी यहूद हनूद की साजिश, ये तीन चार इनके सेंटेंसेस हैं, और इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई डिग्री सब इसी में है। मैं आपसे पूछता हूं इंडिया की पॉलिसी क्या है? आपको पता है फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी गए थे पैलेस्टीन रमाला, वहां पे उनको ग्रैंड कॉलर ऑफ पैलेस्टीन दिया गया था, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है जो कि फॉरेनर को दिया जा सकता है। ही वॉज ऑनर्ड विद दैट अवार्ड एंड ही सेड दैट वी आर ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ पैलेस्टीन, हम पैलेस्टीन की आजादी की बात करते हैं और हम पैलेस्टीन के साथ, राइट, हम ये नहीं चाहते कि इसराइल और फलस्तीन के बीच में जंग हो। ये इंडिया का आज से नहीं सर, इंडिया का बेहतर, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से, जब से फलस्तीन का मामला हुआ है, जब से इंडिया का तो यही रहा है मामला। आप देख लीजिए मोदी गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस में क्या बयान दिया है, उन्होंने यही बात बोली है कि सर। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान की एक लीडर थी, बात कर रही थी कि भारत
और इसराइल में जिहाद के लिए हम अपने बच्चे भेजेंगे। गाइज आपको पता होगा जिहाद बेसिकली एक वर्ड है जिसमें काफिरों को मारना, काफिरों के खिलाफ मतलब जंग लड़ना, जिहाद, इस तरीके की टर्मोलॉजी आपने बहुत सुनी होगी, आई है सामने। हालांकि इसको अगर आप किसी मुस्लिम से बोलेंगे सुनेंगे तो वो इसका डिफरेंट वही वाला कॉन्सेप्ट बताएगा, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो आपको पता है, लेकिन वो जो लिखा है वो बताएगा, और जो लिखा है वो वैसा करते नहीं है, करते वैसा ही है जो आपको पता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आप ताजमहल गए हैं, ताजमहल में आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे जो बताने वाले होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, तो एक विदेशी लेडी को एक मुस्लिम बता रहा था जिहाद का ये मीनिंग है, लेकिन उस विदेशी लेडी ने बोला काउंटर में जिहाद तो ये होता है, लेकिन उसके काउंटर में उसने बताया कि जिहाद ये होता है। लेकिन आपको पता होता क्या है जो एक्चुअल में कश्मीर में करते हैं, या आपको पता है वो सब? मैंने शायद इतना घुमा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो गए हों। तो गाइस गौरव आर्या एज यूजुअल हमेशा की तरह जलबा इनका कायम है, इनको आपको पता है इनने बहुत रिसर्च कर लिया पाकिस्तान के बारे में, बहुत बहुत पढ़ते हैं पाकिस्तान, बहुत मीडिया फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग, यहाँ तक कि इनके पुतले तक जल चुके हैं। इन्होंने अभी जो पाकिस्तान में आपको याद होगा फ्रेंच एम्बेसडर के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, जो दंगे फसाद हुए थे, उसमें इनका नाम लिया गया था, पाकिस्तानी मीडिया ने बोला था कि इन्होंने मौलानाओं को फ़ंड किया। मतलब इतने अमीर भी नहीं है मेजर गौरव आर्या कि मौलानाओं को फ़ंड करने लगे पाकिस्तान के, और वो भी इतने बड़े अमाउंट में भीड़ लेकर आ जाएं। मतलब मैं भी उस समय हंस हंस कर पागल हो गया था कि पाकिस्तान की मीडिया भी गजब की अलग लेवल की मतलब बेवकूफ़ है। तो मेजर गौरव आर्या का काफ़ी जलवा है पाकिस्तान में, और ये जलवा इनका यूट्यूब में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल मतलब गजब की व्यूअरशिप है और बहुत ज़्यादा लोग इनको सुनते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।